अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 8B का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई यहाँ पर हम कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर क्यूब। आपके पास एक रूल है अलजेब्रिक रूल कि अगर आपकी बेसिस सेम होती है तो पावर्स आपकी एड होती है। तो यहाँ पर आपके पास बेसिस 2a है, यहाँ पर भी आपके पास बेस 2a है, तो यहाँ पर बेस सेम, पावर आपका क्या हो जाएगा एड। तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 3 में जब हमने 2 प्लस किया तो आपके पास कितना हो गया 5। अब ये जो 5 है ये 2 के साथ भी है, 5 a के साथ भी है, तो आपने 2 के साथ 5 अलग लिखा, a के साथ आपने 5 अलग। अब 2 की पावर यहाँ पे 5 मौजूद है, मतलब 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, ये आपने 2 की वैल्यू 5 टाइम्स लिख दी और a की पावर 5 आपने ऐसे लिखा। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, a की पावर 5, और ये आपको क्या हो गया आंसर। वीडियो स्टॉप कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास पार्ट 4 में आपका है माइनस का 4 ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ए स्क्वायर बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है उसकी बेसिस सेम नहीं है, तो आप इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे। तो ये जो स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है, तो माइनस 4 के साथ अलग रहेगा, a के साथ अलग रहेगा, और b के स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका अलग रहेगा। मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्यूब 2 के साथ अलग आएगा, आपके पास a स्क्वायर का होल क्यूब अलग आएगा और b के ऊपर क्यूब आपका अलग। अब 4 कितना बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप 4 कितना मल्टीप्लाई कराओगे 2 टाइम्स, ए के ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया, बी 2 to the 4 मल्टीप्लाई। अभी 2 कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 ए 2 3 6, और ये बी क्यूब आपका ऐसे ऐसे रहा, 4 4 16, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, ए स्क्वायर बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 to the 4 4 to the 8 ए की पावर 6 बी क्यूब। अब आप 16 को 8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 8 का आपका हो गया 128। अब इन दो की बेस सेम है तो पावर दोनों की क्या हो जाएगी ऐड। अब 2 में जब 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इनकी बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड। 4 में 3 प्लस करेंगे कितना हो गया आपके 7, और ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपके पास जो है वो 3a ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 3a मौजूद है, इसके अंदर 3a जो है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर 3a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3a से, तो आप 3a को मल्टीप्लाई किससे करोगे ए स्क्वायर से माइनस की साइन, देन 3a को मल्टीप्लाई किससे करोगे 3a से, 3a को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आपके पास 3a³, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, 2 में 1 प्लस किया आपके पास कितना आ गया 3। यहाँ पर आपके पास 3 का कितना हो गया 9, और जब आप a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपके पास माइनस का 2abc जो है वो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के 2abc को मल्टीप्लाई करवाएंगे bc प्लस ca माइनस का ab, तो ये जो पूरी टर्म है पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 2abc मल्टीप्लाई होगा bc से, फिर माइनस का 2abc मल्टीप्लाई होगा ca से, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्टली हम इसकी साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया पहले, चाहे तो आप बाद में भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, और हमने मल्टीप्लाई करवा दिया फिर किससे ca से, देन हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ab से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास 2abc मल्टीप्लाई किससे होगा ab से। अब माइनस की साइन आपके पास मौजूद रहेगी क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 2 a, यहाँ पर a मौजूद नहीं है तो a ऐसे ही आएगा, b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, और जब c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, माइनस 2 आपका यहाँ पर ऐसे चीज ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे a को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर, b आपका ऐसे चीज ऐसे रहेगा, और जब आप c को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा c स्क्वायर।
टू आपका एक्चुअली वैसे ही रहा, ए को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, बी को जब आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर, देन सी आपके पास एक्चुअली वैसे ही रहेगा और ये आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 सिंपलीफाई पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो जो ए है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ए को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे। देन आपके पास ये जो प्लस का बी है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब आपने इस ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, इस ए को ए बी से भी और इस ए को बी स्क्वायर से भी। अब आपको मल्टीप्लीकेशन आ गई है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए ए साथ ए स्क्वायर होगा और ये बी आपका एज इट इज ऐसे रहेगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर था ए बी स्क्वायर। जब बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी बी था बी स्क्वायर। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्यू। अब देखो माइनस का ए स्क्वायर बी से प्लस का ए स्क्वायर बी आपका कैंसिल, माइनस प्लस का ए बी स्क्वायर से माइनस का ए बी स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, आपके पास जो है आंसर क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर क्या हो गया आंसर। नंबर 7 सिंप्लीफाई पार्ट 1। अब यहाँ पे आपके पास जो 3 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप क्वेश्चन को लिख देते हो 3 ब्रैकेट x माइनस 4 4 x माइनस 3 प्लस 5 x माइनस 2। अब 3 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 3 4 का 12 प्लस 4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 का 10। अब यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है x और एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे वेरिएबल को आप अलग कर लोगे, कांस्टेंट टर्म को आप अलग कर लोगे, तो यहाँ आपके पास 3x प्लस का 4x प्लस का 5x, देन माइनस 12 माइनस 12 माइनस 10। अब आप इन सबको प्लस करोगे तो 5 में 4 प्लस करके कितना हो गया 9, 9 में 3 प्लस करके आपके पास कितना हो गया 12। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आती है, 12 में 12 प्लस की कितना हो गया 24, और यहां पर फिर माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, 24 में जब आप 10 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 34, और ये आपको क्या हो गया आंसर।